All right friends, once again a very welcome back to the new video, and topic for today's video is LD College of Engineering IT branch cutoff analysis for the previous 3 years. अब यहाँ पर ऐसा सिमिलर वीडियो मैंने यहाँ पर DAAACT और निर्मा के लिए भी मैंने किया है, तो इस वीडियो में हम यहाँ पर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की IT ब्रांच के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से साल मैंने कवर किया है, 2021-22, सेकेंड ईयर इज 2022-23 एंड थर्ड वन इज द प्रीवियस ईयर विच इज 2023-24। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ पर पर्टिकुलर IT ब्रांच के बारे में ये वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर करेक्शन आएगा, वो है कि यहाँ पर आपको 2021 में ओपन के लिए यहाँ पर कट ऑफ कंसिडर करना है 1250, इट इज़ नॉट 125। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ओपन ब्रांच से, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी में 2021 में ये कट ऑफ क्लोज हुआ था 1250 के ऊपर, 2022 में ये कट ऑफ क्लोज हुआ था 855 के ऊपर, और पिछले साल यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ था 1020 के ऊपर। अगर हम सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो वो यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ था 2022 के ऊपर की, जहाँ पर 855 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ था। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2022 में कट ऑफ बहुत ही ऊपर गया था कंपेयर विथ टू अदर ईयर्स। ST में बात करें तो भी यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 2022 में सबसे ज़्यादा कट ऑफ ऊपर गया था। ACBC कैटेगरी की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आइडेंटिकली आपको देखने को मिल रहा है, मतलब एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक। अगर 2021 की बात करें तो यहाँ पर 1820 पे कट ऑफ क्लोज हुआ था, दो साल पहले 1679 पे, और पिछले साल यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ था 1619 के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंग इस साल का आप कट ऑफ यहाँ पर ऑन एन एवरेज यहाँ पर 1700 कंसिडर कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द EWS कैटेगरी, देन 1151, देन 923 एंड 1119, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिल रहा है। एंड इफ़ यू कंसिडर TFWS, तो फिर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, TFWS में यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले साल यहाँ पर 664 पे कट ऑफ क्लोज हुआ था, और उससे एक साल पहले यहाँ पर 628 के ऊपर कट ऑफ क्लोज हुआ था। अगर हम प्रिडिक्शन की बात करें तो इस साल यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 1050 से लेके 1100 तक कंसिडर कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट द SC ब्रांच, तो यहाँ पर 4000 के आसपास, ST के लिए यहाँ पर 16 से 17000 के आसपास, ACBC के लिए 1650 से लेके 1700 के आसपास इसका कट ऑफ जाता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पर्टिकुलर IT बारे में ब्रांच IT ब्रांच के बारे में बात करें तो यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और ब्रांच भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। द रीज़न बिंग हेयर इज़ कि यहाँ पर अच्छा खासा प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, एंड द बेस्ट पॉइंट अबाउट दिस कॉलेज इज इट इज़ अ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सो दे विल चार्ज ओनली 1500 पर वन ईयर सेमेस्टर फी। पर वन ईयर मीन्स यहाँ पर सेमेस्टर की फ़ी आपको पे नहीं करनी होती है, आपको पूरा का पूरा एक ही साल में आपको पेमेंट करना होता है एक साल का 1500, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी पे करना नहीं रहता है। और ये भी अगर हम फीस के बारे में बात करें तो दिस इज जस्ट फॉर दी बॉयज, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कुछ भी फी पेमेंट करने को नहीं आता है। दिस इज फॉर एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज इन अंडर दी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम फीस ही पे करनी होगी, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स एंड आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।